हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा पंचाल रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकले की रेसिपी। ढोकला जो हम बनाएंगे उसके लिए आपको दाल चावल कोई चीज़ भिगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसके लिए एक आटा तैयार कर लिया है। मतलब ये जो आटा है, मिक्सर है, वो आप इस तरह से ढोकले का तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, 1 किलो चावल लिया है, 700 ग्राम जितनी आप चना दाल ले सकते हैं, एंड 100 ग्राम जितनी आपको लेनी है उड़द की दाल। इन तीनों चीज़ों को आपको या तो चक्की में आप पिसा सकते हैं या आप घर पे पीस सकते हैं। तो ये जो आटा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इस तरह का दरदरा आटा आप चक्की में थोड़ा पिसवा सकते हैं। अब इस आटे से ढोकला बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें इसको आपको सिर्फ छाछ में या दही में 2 घंटे के लिए भिगाना है और इसके बाद इंस्टेंट आप ढोकला बना सकते हैं। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ले लेंगे 1 कप ढोकले वाला आटा और इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। और इसमें फ्रेंड्स हमें ऐड करना है 1/2 कप जितना दही। अब बहुत ज़्यादा दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही आप ऐड कर सकते हैं। और 1/2 कप ही हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अभी बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी इसे हमें कवर कर लेना है और 2 से 3 घंटे हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब 3 घंटे के बाद अभी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से आटा हमारा है जो दही में भीग गया है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। और एक बार इसे हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और इसमें अभी हमें ऐड करनी है ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची ली हैं और अदरक लिया है और थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे और इसकी एक हरी चटनी हम तैयार कर लेंगे। और ये जो पेस्ट है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बढ़िया से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक स्टीमर रख दिया है और इसमें 3 ग्लास जितना पानी हम गरम करने के लिए रख देंगे। धीमी आंच पे एक साइड में गरम होने देंगे पानी को। और जिस प्लेट में हमें ढोकला बनाना है उसे बढ़िया से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। 2 व्यक्तियों के लिए आप बना रहे हैं तो 1 कप आटे का आप ढोकला बनाना इनफ हो जाएगा और एक ही प्लेट में आपको जमाना है। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच जितना इनो फ्रूट सॉल्ट या फिर आप कुकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड करना, बढ़िया से इसे मिक्स करना और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आप रखना। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 पिंच जितना, बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे। और इसे प्लेट में डाल देंगे। अभी देखिए पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और ये जो प्लेट है वो हम इसमें लगा लेंगे, इसे कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे इसे स्टीम होने देंगे। और अभी 7 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ढोकला हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। बहुत ही सॉफ्ट ढोकला ये बन के तैयार होता है। अभी तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है, थोड़ा सा राई दाना ऐड करेंगे, तिल ऐड करेंगे, तिल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, कड़ी पत्ता आप ऐड कीजिए और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म ये तड़का हम ढोकले पर डाल देंगे। अब ये जो तड़का है इसे प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो पूरी जगह अच्छे से इक्वली लग जाए।
तो देखिए कितना बढ़िया ढोकला हमारा बनके तैयार हुआ है। ऊपर से आप हरा धनिये से इसे गार्निश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ढोकला हमारा बनके तैयार हुआ है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस तरह से ये ढोकला एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।